उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही नहीं सपा बसपा की राजनीति तक खत्म कर देना चाहती है भाजपा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बेहद खराब थी, कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस आम जनता को बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर हर बार चुनाव जीत जाती थी। आजाद भारत के बाद उत्तर प्रदेश में 1990 कांग्रेस का ही दबदबा रहा था, लेकिन उस समय मान्यवर साहब काशीराम ने द्वारा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी के राज्य के कोने कोने में अपना परचम लहरा चुकी थी और कांग्रेस को राज्य से पूरा का पूरा जड़ समेत खत्म कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियां और राजनीति रवैये को देखते हुए भाजपा तिलमिला गई और बसपा को सरकार बनवाने के लिए समर्थन में खड़ी हो गई। भाजपा ने बसपा का सपा से किनारा करवा दिया। शायद भाजपा को पता था कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिल गई तो कांग्रेस भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा यही चाहती थी कि मायावती या बसपा का नेता जो भी मुख्यमंत्री बने वो हमारे समर्थन में बने, और वही हुआ। 1995 में और 97 में और 2002 में भाजपा के गठबंधन से बसपा को सत्ता में आई। जैसे ही 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी तो भाजपा के खेमे में तहलका मच गया और सपा का रुख कांग्रेस हो गया। 2014 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के रूप में देखने को मिला। 2012 में जैसे ही सपा की सरकार बनी तो कांग्रेस और भाजपा दोनों बसपा को अंदरूनी नुकसान पहुंचाने लगे और ठान लिया कि सपा और बसपा की स्थिति राजनीति उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखना है। उदाहरण के तौर पे हम दिल्ली को ले लेते हैं। 2008 के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी और 17-18% वोट अपने पड़ले में गिरा लिए थे। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा दिल्ली में अपनी सरकार बनाए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में पिछड़ रहे थे, उनके पास कोई ऑपरेशन नहीं था। आखिर उन्होंने IIT धारी और आरक्षण विरोधी मंच के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नई पार्टी आम आदमी पार्टी बनवाकर चुनावी मैदान में उतारा। दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग को तबकों को लेकर दिमाग में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा थी जो बसपा पार्टी की वजह से फैली थी। हर जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं का प्रचलन था और लोगों के मुंह पे जय भीम के अभिवादन सुनने को मिल रहा था, पर ये आरएसएस के लोगों को कहां समझ में आना था। वो चाहते थे कि जय भीम नहीं जय श्री राम के नारे देश में लगने चाहिए। उन्होंने अपने गुरुओं को भेजा और जाकर बाबा साहब के प्रवचन सुनाए। बाबा साहब का खूब महिमा मंडन किया, बस फिर क्या था, भोले भाले बहुजन समाज के लोग ध्यान भटक गया और एक आरक्षण विरोधी मंच के मुखिया नारेबाजी करने लगे, क्योंकि उनके अपने राजनीति चमचा के बाबा साहब गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय संविधान की अच्छाई गिनाई, संविधान की शपथ ली, लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्हीं के शासन काल में संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं तो उनके मुंह में दही जम जाती है। और 9 अगस्त हर भारतीय को याद है जिसकी संविधान में आस्था है। अगर वर्तमान और लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो सपा बसपा रालोद के गठबंधन से भाजपा कांग्रेस में बहुत भय और उन्हें कामयाब होने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे और बहुजन समाज के बिखरने में कामयाबी भी हो रही थी। बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर चुके वामन मेश्राम, फूल सिंह बरैया, सावित्रीबाई फूले, देवाशीष जरिया, चंद्रशेखर उफ रावण अपने अपने संगठन व पार्टी बनाकर कांग्रेस भाजपा को मजबूती की और धकेल रहे थे, जिसका नुकसान सपा बसपा के गठबंधन को ही हुआ। ये बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये राजनीति कौन से स्तर की राजनीति होती है जिसकी वजह से बहुजन समाज टूट के भाजपा और कांग्रेस को मजबूत कर देता है। जबकि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। आरएसएस और अडानी अंबानी इशारों पर चलने वाली भाजपा, भाजपा के अंदरूनी समझौता करने वाली कांग्रेस में बैठे धूर्त ने ये तक तय कर रखा था कि कोई तीसरी पार्टी या गठबंधन केंद्र तक ना पहुंच पाए। 70 साल तक इस चाल में ये दोनों पार्टियां कामयाब भी रही हैं। इन दोनों पार्टियों ने आज तक संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन दोनों पार्टियों ने कभी संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की बात नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा का अपने भाषण काल में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो जब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसको लागू करने वाले बुरे हो, तो वह अतः बुरा ही साबित होगा।
इसके विपरीत संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसको लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो अच्छा ही साबित होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के रास्ते में चलने वाले ने लाइनें जरूर पढ़ा जो निम्नलिखित थे। कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, इसके चार आने की भी सदस्यता मत बनना, जो इस जलते हुए घर में जाता है वो जलकर राख हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कांग्रेस मीठा जहर है जो बीजेपी तीखा जहर है, ये दोनों चाचा भतीजे की तरह पार्टियों हैं जो बहुजन समाज का कभी भला नहीं कर सकती हैं, ये कहा था माननीय श्री काशीराम साहब ने। अब बहुजन समाज के लोगों को चाहिए कि वो अपने तन मन धन से बसपा के साथ आएं और बहुजन समाज के मूवमेंट को बड़ा बनाने के लिए और उस पे और देश का तभी बन पाएगा बहुजन समाज का प्रधानमंत्री, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो या बसपा सुप्रीमो की जगह कोई भी बसपा का पदाधिकारी हो, तभी इस देश में संविधान से चल पाएगा देश और तभी बन पाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत।